जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेसन में मैंने आप लोगों से लेआउट के हवाले से बात की थी मैंने आप लोगों को लेआउट क्या होती है ये बताया था और इसके अलावा हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स का जिक्र किया था कि जिनके हवाले से हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेआउट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इनमें से एक टेक्निक मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को बताई भी थी तो इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को एक और टेक्निक इसी हवाले से बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप लोग अपने लेआउट्स में बहुत ज़्यादा निखार पैदा कर सकते हैं ये टेक्निक है डायरेक्ट द व्यूअर्स आई विद लीडिंग लाइंस। अच्छा लीडिंग लाइंस का क्या मतलब है देखिए इस टेक्निक में हम करते ये हैं कि हम अपने डिजाइन्स के अंदर कुछ ऐसी लाइन्स जो है वो यूज करते हैं या कुछ इस तरह से लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं कि उन लाइंस की मदद से हम देखने वाले की आंख को डायरेक्ट कर देते हैं किसी खास डायरेक्शन में और इस तरह से होता क्या है हम कामयाब हो जाते हैं अपने डिजाइन के अंदर इम्फोसिस के प्रिंसिपल को अप्लाई करने में और इस तरह से हम कोई फोकल एरिया अपने डिजाइन के अंदर क्रिएट कर लेते हैं ठहरे मैं आप लोगों को जरा डिटेल में इस बात को समझाता हूं देखें जब हम अपने डिजाइन के अंदर कोई भी लीडिंग लाइंस प्रोड्यूस करते हैं तो उससे होता यह है कि हम बेसिकली व्यूअर के व्यू पॉइंट को कंट्रोल में ले आते हैं अब ये व्यू पॉइंट क्या है व्यू पॉइंट या आई ट्रैवलिंग के हवाले से मैं पहले भी आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं लेकिन मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि व्यू पॉइंट का मतलब यह है कि देखने वाले की यानी कि व्यूअर की जो आंख है वो किस तरह से आपके डिज़ाइन को देखने वाली है तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर आप कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह से लीडिंग लाइन्स को अपने डिजाइन्स के अंदर एड करके यानी के लाइनों के थ्रू देखने वाले की आंख को गाइड या लीड करके आप लोगों को एक बहुत आसान एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आप लोगों ने ग्राफ्स का जायजा लिया होगा और बहुत सारे फ्लो चार्ट भी देखे होंगे आप लोग इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइन की मदद से बताई गई है और इसी तरह से अगर हम इस फ्लो चार्ट का जिक्र करें या इसका जायजा लें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को लाइनों की मदद से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कोई भी जो फ्लो चार्ट होता है वो चाहे किसी भी बारे में हो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही हो उसके अंदर बेसिकली लाइंस की मदद से इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर दिया जाता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने यानी कि देखने वाले के सामने पेश किया जाता है तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है लीडिंग लाइन्स के थ्रू किसी भी जो देखने वाला है उसकी आंख को गाइड करने के हवाले से ये एक डिज़ाइन आपको इस वक्त नज़र आ रहा है इस डिज़ाइन को अगर हम बगौर देखें तो लेआउट हमें इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और इसके लेआउट के अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि लाइंस की मदद से एक ऐसा नेटवर्क एक जाल फैलाया गया है कि जिसकी मदद मतलब से जो देखने वाला है वो फॉरन जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है जिसको हाईलाइट करना मकसूद था उसी को देखता है आप खुद अगर इस विजुअल को जब पहली बार देखें तो आपकी नज़र डायरेक्टली उस टेक्स्ट के ऊपर जाती है जिसकी तरफ तमाम लाइनें जो डिज़ाइन के अंदर मौजूद हैं वो आपको गाइड कर रही हैं तो इस तरह से आप लोगों को पता चला कि हम लोग लीडिंग लाइंस को क्रिएट करके या कोई भी ऐसा लीनियर पैटर्न अपनी डिज़ाइन के अंदर ऐड करके बड़ी आसानी के साथ अपने देखने वाले की जो आय है उसको हम गाइड कर सकते हैं किसी भी ख़ास डायरेक्शन में चाहे कोई टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो या डिज़ाइन का कोई भी ऐसा ग्राफिकल एलिमेंट हो जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको हम फोकल एरिया बनाना चाहते हैं मेन फोकस के अंदर लेके आना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से लीडिंग लाइंस की मदद से फोकस के अंदर लेके आ सकते हैं अच्छा इस डिज़ाइन के अंदर तो आप लोगों ने देखा कि लाइन्स थी और वो बड़े आसानी से आपको इजीली विज़िबल थी और आप उनको देख सकते थे लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो लाइनें हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन्स के अंदर ये हमेशा आपको नज़र ही आएंगी या बहुत इजीली विज़िबल होंगी बाजुकात डिज़ाइंस में या फ़ोटोग्राफ्स के अंदर कुछ ऐसी लीडिंग लाइन्स मौजूद होती हैं जो होती हैं लेकिन आपको एकदम देखते साथ उनका एहसास नहीं होता बट वो अपना काम कर रही होती हैं फोटोग्राफी के अंदर भी ये जो लीडिंग लाइंस का टेक्निक है इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चलें इस पिक्चर का जायजा लें इस इमेज को देखें इस इमेज को देखते साथ ही आपको पता चलेगा कि ये जो एक वॉकिंग डेक बना हुआ है ये जो एक चलने के लिए एक जो वुडन फ्लोर सॉर्ट ऑफ बना हुआ है इस इमेज के अंदर इसकी मदद से जो लीडिंग लाइंस है वो प्रोड्यूस हो रही हैं और वो डायरेक्ट कर रही हैं देखने वाले की आँख को पानी के अंदर और इस ये जो एक पूरा एक इमेज है उसके अंदर आगे की तरफ इसी तरह से ये एक और पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि एक दूर पीछे एक विंड मिल है और फूलों की क्यारियाँ हैं और उन क्यारियों के बीच में जो डिस्टेंस है जो गैप है उस गैप से कुछ ऐसी लीडिंग लाइंस क्रिएट हो रही हैं कि आप जब इमेज को देखते हैं तो आपका ध्यान खुद ब खुद ही उस विंड मिल की तरफ चला जाता है अब ये जो आपका ध्यान इस विंड मिल की तरफ जा रहा है ये बेसिकली इन लीडिंग लाइंस की बदौलत ही मुमकिन हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी कि लीडिंग लाइंस क्या होती हैं और इनको हम अपने डिज़ाइन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं चले एक इलस्ट्रेशन का जायज़ा लेते हैं ये एक इलस्ट्रेटिव डिज़ाइन है और इसमें बहुत ही ख़ूबसूरत एक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर एक ट्रैवलर का इमेज दिखाया गया और उसके अलावा रेल का एक ट्रैक है और ये जो रेल का ट्रैक है ये बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है लीडिंग लाइंस का और आप इस ट्रैक की मदद से चाहते ना चाहते हुए सबसे पहले जो है वो देख पा रहे हैं उस इमेज को ट्रैवलर के इमेज को जिसकी तरफ बेसिकली आपका ध्यान जो है वो इन लीडिंग लाइंस की मदद से डायरेक्ट किया जा रहा है और गाइड किया जा रहा है उसके बाद फिर आप आ, ट्रेन के ट्रैक को देखते हैं और फिर उसके बाद पीछे दूर एक जो ट्रेन का विजुअल है जो आती हुई ट्रेन नज़र आ रही है उसकी तरफ भी आपका शायद ध्यान जो है वो बाद में जाएगा तो आपने देखा कि इस इलेस्ट्रेशन के अंदर भी आ, हमने देखा कि जो लाइंस हैं वो गाइड कर रही हैं अब ये लाइन्स बज़ाहिर कोई खींची हुई लाइन नहीं है मतलब ये बहुत ऑब्वियस लाइन नहीं है बट इट इज़ स्टिल देर और ये शेप्स की सूरत में है बेसिकली ये जो रेलवे ट्रैक है ये एक शेप है और इस शेप की जो लाइन्स हैं वो बेसिकली हमारी हेल्प कर रही हैं किसी एक खास डायरेक्शन के अंदर देखने के लिए और मूव करने के लिए तो बेसिकली ये भी हमें पता चला कि ये जो लाइन्स होती हैं ये बाज़ात शेप्स की सूरत में मौजूद होती हैं या शेप्स के साथ मौजूद होती हैं और ये अपना काम कर रही होती हैं और हमारी आंख को देखने वाले की आंख को गाइड कर रही होती हैं किसी एक खास डायरेक्शन में एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये कोका कोला कंपनी का एक आ, इमेज है डिज़ाइन है उसके ऊपर और इसमें देख सकते हैं कि कोक की जो बॉटल है वो सेंटर के अंदर दिखाई गई है और पीछे कोका कोला लिखा हुआ है और बैक पे बैकग्राउंड के ऊपर एक पैटर्न है लाइंस का और एक ऐसा डिजाइन क्रिएट किया गया है जिसकी मदद से बेसिकली जो हमारी आंख है वो सबसे पहले इस बॉटल की तरफ और ये जो बॉटल पकड़ी हुई है इस इमेज की तरफ और फिर जो कोका कोला लिखा हुआ है उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है तो अब आप लोगों को ये रीड करने में आसानी होगी इस तरह के इमेजेस को और आपको जब भी आप इस तरह के लेआउट्स देखें इस तरह के विजुअल्स देखें डिज़ाइन देखें तो आपको फ़ौर पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली इस डिज़ाइन के अंदर कुछ ऐसी लाइन्स मौजूद हैं या कोई ऐसा लीनियर पैटर्न मौजूद है या कोई ऐसी शेप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हमें कुछ लाइंस की गाइडेंस मिल रही है और इस तरह से हमारा जो ध्यान है वो किसी एक ख़ास फोकल एरिया की तरफ या एक ख़ास किसी पर्टिकुलर एरिया की तरफ हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट किया जा रहा है तो आप लोगों ने देखा कि हम लीडिंग लाइंस की मदद से कितनी आसानी से जो व्यूअर है उसके देखने को कि वो किस तरह से हमारे इमेज को हमारी लेआउट को हमारे डिज़ाइन को देखेगा इसको हम ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं तो इट इज़ अ वंडरफुल एंड मैजिकल टेक्निक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो इसकी समझ आई होगी आप लोगों ने इस पर मज़दीद रिसर्च भी करनी है और इसके अलावा अब आप जब भी डिज़ाइन बनाएं तो ये टेक्निक अपने जहन में रखें बहुत से पोस्टर्स बनाते हुए या किसी भी जगह पे आपको वेबसाइट के डिज़ाइन के अंदर भी ब्रोशर्स वग़ैरह बनाते हुए आपको ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आप इसकी मदद मतलब से एक ख़ास फोकल एरिया एक अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के लिए लेआउट के हवाले से कोई एक और नई टेक्निक लेकर आऊँगा और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे